जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कुर्माली मुंडारी संताली हो खड़िया नागपुरियों का पहचान एनडीए सरकार ने दी, भाजपा सरकार ने दी, लेकिन अभी महागठबंधन ठगबंधन चल रहा है इसलिए उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। एनडीए के सामने कोई किसी को घेरने का जरूरत नहीं है, ये मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी है तो सब मुमकिन है। नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। रामगढ़ में चुनाव प्रचार जो है जोर शोर से चल रहा है और इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजा राम महतो। सर आपका स्वागत है एचडी न्यूज़ में और पूरी तरह से आप लोग का एनडीए को घेरने की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। अब जेएमएम और कांग्रेस के साथ जदयू और राजद भी चुनाव मैदान में प्रचार में कूद पड़ा है और कहना है कि जो आजसू प्रत्याशी है उसको जीतने किसी भी हाल में नहीं देंगे। वो लोग का धारणा गलत है क्योंकि एनडीए इतना मजबूत है और लोगों का विश्वास है कि एनडीए से ही राज्य का विकास देश का विकास हो सकता है, इसलिए एनडीए का जीत सुनिश्चित है। हम लोग व्यापक जनसंपर्क अभियान गोला रामगढ़ कुमारदागा पतराहतु सब गांव घूम घूम कर हम लोगों से अपील कर चुके हैं कि एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाए। क्यों बनाए इसका भी कारण हम लोग बता दें कि झारखंड राज्य लोग बोलता है जो महागठबंधन के लड़के लिए झारखंड, लड़के नहीं लिया झारखंड, ये लोग हमेशा झारखंड को बेचा, ये तो वाजपेयी जी का देन है, ये लोग जानता नहीं है, वाजपेयी का देन है क्या झारखंड राज्य अलग हुआ, वही नहीं हुआ। आज जो झारखंड की मान सम्मान का लड़ाई है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कुर्माली मुंडारी संताली हो खड़िया नागपुरियों का पहचान एनडीए सरकार ने दी, भाजपा सरकार ने दी, जिसका जिक्र हम लोग बढ़िया से करके दिए। आज हेमंत सरकार ने यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना कर स्थानीय नीति बोलता है, जोहार यात्रा निकालता है जिसका कोई तूक नहीं है। स्थानीय नीति केवल सरकार बना के अपने उसको लागू करना चाहिए, ये भेज रहा है दिल्ली। अरे तुम्हारा अपना पावर है, तुम स्थानीय नीति बनाओ ना, ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हो। तुम्हारा हाथ में पावर है, स्थानीय नीति लागू करना चाहिए, ये सब नहीं किया। और जो आज उपेक्षित लोग हैं, इतना वैकेंसी है, स्थानीय नीति के चलते अभी लोग परेशान है। स्थानीय नीति नियोजन नीति ये सब नहीं बनने के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं, इसलिए इसको तुरंत क्लियर करना चाहिए जो नहीं कर रहा है। और जहाँ तक यहाँ पर जो प्रचार करते हैं मुख्यमंत्री बोलने आते हैं, अगर चुनौती के साथ कहता हूँ, जिस समय ममता विधायक थी बेचारी टूअर टाइप के किनारे खड़ी थी और यहाँ जो राजरपा हो रहा था उसका जिलाध्यक्ष भाषण दे रहा है लेकिन विधायक को नहीं बोलने दिया। ये सब कांग्रेस को पता नहीं है, लेकिन अभी महागठबंधन ठगबंधन चल रहा है इसलिए उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। एनडीए के सामने कोई किसी को घेरने का जरूरत नहीं है, ये मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी ही देश का विकास के साथ साथ झारखंड में भी मोदी के इशारे पर मोदी के विचारधारा पर ही विकास होता है। झारखंड की भाषा संस्कृति से लेकर यहाँ के जो मूल वासियों का जो असलियत है, यहाँ जो उपेक्षित जनजाति है उसको शामिल करने का मामला है, ये भाजपा सरकार ही देगी, मोदी सरकार ही देगी, इसलिए लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वोट किधर देना है। ये तो किसी का व्यक्तिगत तो उसका क्या विचारधारा हम नहीं जानते हैं, लेकिन डॉक्टर राजाराम महतो खूंटा गाड़ के बोलता है और सही से बोलता है, देश का किसी आदमी को खड़ा कर दो, जो काम भाजपा सरकार करेगी वो कोई नहीं करेगा, इसलिए लोग नहीं गड़बड़ाए। और लोगों से अपील किए हैं कि एनडीए का प्रत्याशी को विजयी बनाओ, सुनीता चौधरी को भारी मतों से विजयी बने, ये अपील किए हैं। जो समझदार होगा, जो सोचने वाला होगा, किसी समाज का हो, वो निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी को वोट देगा, ये मेरा विश्वास है। रामगढ़ में भी हम घूमे हैं, घर घर सब जगह देखे हैं, वो एनडीए को जीतेगा। कितनों नेता घूमे, कितनों गोलबंद हो, कितनों घेरने का काम करे, एनडीए ही जीतेगा। और जहाँ तक तो विकास का काम है, चंद्रप्रकाश बहुत विकास किया है, रामगढ़ में अनुमंडल बनाए, यहाँ BDO CO ऑफिस सब जगह बनाए, चारों तरफ रोड बनाया, स्कूल कॉलेज खोला है, ये सब तो बहुत लंबा लिफाफा है, लेकिन लोगों के एक भावना है, यहाँ नहीं लोग ऊपर देख के वोट दे रहा है, इसलिए एनडीए के प्रत्याशी को वोट देगा। अब मेरा आशा और पूर्ण विश्वास है
कि एनडीए का जीत सुनिश्चित है। और लोगों से आपका चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि लोग दीर्घभ्रमित नहीं हो, इधर उधर का नेता देख के अकबकाना नहीं है और एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को भारी मत से विजयी बने। इसी पर आपका विकास का धारा है, राज्य का विकास होगा, गांव का विकास होगा, कुरमाली मुंडारी संथाली हो कोठा बोलने वालों का विकास होगा। इसलिए सुनीता चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाए। ठीक है, तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बीजेपी के सीनियर लीडर थे राजाराम महतो।